एक बार एक आदमी बस स्टैंड में वेट कर रो रहा था। पता नहीं क्या हुआ, बहुत रो रहा था। आसपास के लोग वहाँ पर घूम रहे हैं, लेकिन कोई भी पास आकर पूछ नहीं रहा था कि क्या हुआ। तो ये सब जो है, दूर से खड़ा हुआ एक बूढ़ा आदमी जो है उन्हें देख रहा था और पास आया था पूछने के लिए कि क्या हुआ बेचारे को। तो उस बस स्टैंड में बैठे हुए आदमी ने कहा कि जिन्हें मैंने अपना माना और जिन्होंने मुझे अपना माना, वो सब मुझे छोड़कर चले गए हैं। अभी मेरे पास कुछ नहीं है। जिस किसी से भी मैं मदद मांगने जाता हूँ, वो लोग तो खाली हाथ दिखा रहे मुझे। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या चाहिए मुझे अभी। तो बुजुर्ग आदमी जो है उसने कहा कि अगर तुम बुरा मत मानो तो मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूँ, बदले में कुछ नहीं चाहिए मुझे वैसे भी। तो उस बस स्टैंड के आदमी ने कहा कि नहीं नहीं सर, मैं तो जान पहचान का नहीं हूँ आपका वैसे भी, आप क्यों मदद करेंगे मुझे, प्लीज सर ऐसे सिचुएशंस में मजाक मत कीजिए। तो उस बूढ़े आदमी ने कहा कि नहीं नहीं मैं तो सीरियसली कह रहा हूँ, मेरे पास 2 एकड़ का पंजाकोटा में एक लैंड है, मैं आपको दूंगा, आप ले लीजिए, आप ही का बस रखिए। ये सुनते ही वो आदमी जो है बहुत खुश हो गया था और कहने लगा कि सर थैंक यू सो मच सर, मेरी मुश्किल की घड़ी में आपका लैंड जो है मुझे दे रहे हैं। सर अभी मैं कह रहा हूँ उस लैंड में जो कुछ भी करूँगा ना, उसमें जितना भी प्रॉफिट आएगा उसमें 50% मैं आपको दूंगा। तो उस आदमी ने कहा कि नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए बेटा, जितने भी आएंगे तुम ही रख लो, मुझे नहीं चाहिए। तो इस आदमी ने कहा कि नहीं नहीं सर आप ऐसा मत कहिए, आप हाँ या ना कुछ भी कहिए, मेरे प्रॉफिट में से एटलीस्ट 10% तो ज़रूर दूंगा, आप लेंगे या नहीं लेंगे वो बात की बात है, बट मैं तो दूंगा अभी बता रहा हूँ मैं। यह कहकर वहाँ से पंजाकोटा चला गया तो लैंड देखने, और वहाँ पर 5 साल इतनी मेहनत की वो कि वो करोड़पति बन गया था। और 5 साल बाद यह आदमी बहुत बिजी हो गया था, इतना बिजी हो गया था कि उस बुजुर्ग आदमी को कम्प्लीटली भूल चुका था। एक दिन वो बुजुर्ग आदमी घर पहुंचा और कहा कि बेटा उस दिन तुमने कहा था कि तुम्हारे प्रॉफिट में 10% होगी, मुझे आज मुझे वो 10% चाहिए, दे दो। तो इसने कहा देखो अंकल, उस दिन आपने मुझे मदद किया, थैंक यू सो मच, लेकिन ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं ना, इतने सारे पैसे जो है मैंने अपनी खुद की मेहनत से कमाए हैं, जब मैंने अपनी मेहनत से कमाए हैं तो आप क्यों को देना है। तो बुजुर्ग आदमी कहता है कि बेटा शायद तुम तुम्हारे पुराने दिन भूल गए, उस दिन बस स्टैंड में बैठकर रो रहे थे जब तुम्हें तुम्हारे अपने छोड़कर चले गए थे, और बस स्टैंड में भी आसपास में भी कोई भी नहीं देख रहा था, तो मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हें मेरे अपने 2 एकड़ का लैंड जो है तुम्हें दिया था, और आज मैं तुम्हें 10% मांग रहा हूँ, तो तुम ये कह रहे हो, ये है तुम्हारे संस्कार। ये सुनते हैं उस आदमी को अपनी की हुई गलती का एहसास हो जाता है। और दोस्तों वो बुजुर्ग आदमी जो है ना, वो और कोई नहीं है बल्कि वो ऊपर वाला है, और वो 2 एकड़ का पंजाकोटा लैंड जो है वो अपना शरीर है, अपनी जिंदगी है, इतना अच्छा शरीर और जिंदगी दिया है, और ऊपर वाला हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है, एक छोटी सी आराधना, आस्था। हम लोग अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कमाने के बाद हम लोग क्या है कि ऊपर वाले को देने के बाद हमारे पास टाइम ही नहीं रहता है। एक बार आप ही सोचिए, दिन में 24 घंटों में 8 घंटे अगर आप सो गए तो भी 16 घंटे बचते हैं, 16 घंटों में आप ऊपर वाले को देने के लिए आपके पास 2 मिनट भी नहीं है। हाँ नहीं रहते हमारे पास, क्योंकि हम लोग बहुत बिजी रहते हैं, ऑफिस जाना है, कॉलेज जाना है, लेट हो जाते हैं हम तो। इतनी अच्छी जिंदगी ऊपर वाले दी है, उसका थोड़ा बहुत तो शुक्रिया अदा करो मेरे दोस्त। ऊपर वाले को आप जितना चैंट करते रहेंगे ना, आपके अंदर पॉजिटिविटी जो है डेवलप होता रहता है, और वो पॉजिटिविटी के साथ अगर आप कोई भी काम करेंगे ना, वो 100% सक्सेसफुल होगा। वो है पॉजिटिविटी का महत्व। और ऊपर वाले को हमेशा याद करते रहिए, क्योंकि आपकी मुश्किल की घड़ी में वही आपके काम आने वाले हैं। तो दोस्तों यह है इस हफ्ते की हैशटैग मंडे मोटिवेशन। आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर ये वीडियो आपके दोस्तों को शेयर करने के लायक है तो शेयर जरूर कीजिए, और मिलेंगे अगले सोमवार सुबह 10 बजे मेरे यूट्यूब चैनल पर।